भिंड पीएचई में बतौर प्रभारी एसडीओ अटे सत्येंद्र भदौरिया को भ्रष्टाचार के मामले में ग्वालियर कोर्ट ने 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। ये पूरा घोटाला 2.25 करोड़ रुपए का था और 2003 में ग्वालियर नगर निगम में हुआ था। उस समय सत्येंद्र भदौरिया बतौर उपयंत्री नगर निगम ग्वालियर में तैनात थे और उनके द्वारा 1.17 करोड़ रुपए के काम के लिए फर्जी नस्ती तैयार की गई थी। आपको बता दें कि 2003-04 में सीवेज नलकूप और पानी की पाइपलाइन के संधारण के कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। संधारण के जो काम टेंडर प्रक्रिया से हो सकते थे, लेकिन तत्कालीन आयुक्त ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन कामों के लिए निविदा आमंत्रित की थी। सारे काम 10,000 रुपए से कम के रखे गए थे। मामला का खुलासा तब हुआ था जब निकुंज श्रीवास्तव को ग्वालियर का निगम आयुक्त बनाया गया था। भुगतान के लिए जब फाइल उनके पास पहुंची तो उन्होंने 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई थी जिसने पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया था और उसकी शिकायत लोकायुक्त में की थी। मेरे संज्ञान में आगे आई बात आ चुकी है मेरे संज्ञान में कि श्री सत्येंद्र भदौरिया जी को 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना हुआ है जी, जिसकी कॉपी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार कोर्ट से वरिष्ठ उसकी जो कोर्ट की कॉपी कोर्ट के आदेश की कॉपी मेरे द्वारा निकाल ली गई है वो मेरे पोर्टल पर आ चुकी है। उसकी कार्रवाई के लिए मैं तुरंत वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा रहा हूँ। आज की तारीख में ही मैं अवगत करा के शासन लेवल तक मेरी जानकारी पहुँच जाएगी।